हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष वर्मा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्क्रीन पे आप फुटेज देख रहे हैं, ये मेरे खुद के 10 दिन पहले के व्लॉग की फुटेज है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे पिंपल्स हो रखे हैं फेस पे। और अब आप यहां पर मेरी स्किन देख लीजिए कि मेरी स्किन काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। बस छोटे छोटे स्कार्स हैं, वो भी कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन पिंपल अब बिल्कुल नहीं है फेस के ऊपर। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे इतने सारे पिंपल्स हो रहे थे, तब मैंने सोचा कि जितनी भी टेक्निक्स मुझे पता है, जितने भी नॉलेज मुझे है, मैं खुद पे पहले अप्लाई कर लूं और खुद को पहले ठीक कर लूं, तब जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितनी भी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो सभी आप अप्लाई करें। 200% मैं श्योर हूं कि आपके पिंपल्स 2-3 हफ्ते बाद अपने आप चले जाएंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हम गलत करते हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इसको आप बांध लें, रोक लें अपने हाथों में, जंजीरें बांध लें, लेकिन फेस पे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको पिंपल है, मैं बहुत ज्यादा शीशा देखता था और बहुत ज्यादा स्किन को अपनी टच करता रहता था जहां पे पिंपल थे, यानी कि जितना भी अफेक्टेड एरिया था मेरी स्किन का, मैं उसको टच करता रहता बार बार। तो उससे क्या होता था कि जो भी ऑयल या बैक्टीरिया मेरी स्किन पे लगता और फिर वो दूसरी जगह लगता, तो वहां से वो बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते पिंपल्स और बढ़ जाते थे फेस के ऊपर। और शीशा अगर आप कम देखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। अगर हम ज्यादा शीशा देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पिंपल है और हम उसको टच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पिंपल ठीक जब तक ना हो तब तक आप शीशा मत ही देखें, और स्किन को अपने हाथों से बार बार टच ना करें, इसको नॉर्मली वॉश करें। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग और मैंने भी ये किया हुआ है, अपने पिंपल को पॉप कर देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको और ज्यादा एक्ने होंगे। हमें लगता है कि यार सुबह पार्टी में जाना है तो आज इस पिंपल को हम थोड़ा सेटल डाउन कर देते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह कम कर देते हैं या थोड़ा सा इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं बनने वाली कभी भी। आपको पिंपल कभी कम नहीं होने वाले ऐसे, इससे केस और वर्स्ट हो जाएगा। तो आपको अपने पिंपल को पॉप नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है, जैसा ये है, जैसा ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, लोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो अपनी डाइट लेनी है उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ना लें बिल्कुल भी, दही दूध पनीर सब बंद। आप बिल्कुल भी ऑयली ना लें, कोई भी आपको प्रिजर्वेटिव फूड नहीं लेना है जो हमें ऑलरेडी मार्केट से पैक्ड मिलते हैं, कुछ टाइम तक ना लें, उसके बाद आप कर सकते हैं जब आपकी स्किन ठीक हो जाए। आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाहर का बंद करना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट बंद करने पड़ेंगे, और जितना भी ऑयली खाना है आपको सारा बंद करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, अगर लड़की हैं तो, और अगर लड़के भी, वैसे तो लड़के भी आजकल मेकअप करने लग गए हैं, मेकअप हो या कोई भी अदर केमिकल सब्सटेंस हो जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, तो उसको थोड़े दिन के लिए शांति दीजिए, उसको साइड रख दीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत आपको अब फ्यूचर में नहीं पड़ने वाली। आप नॉर्मली नेचुरली अपने आप को हील करने की प्रोसेस में है, कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं, कोई मेकअप आपको अप्लाई नहीं करना है अपने पिंपल को ढकने के लिए। और अपने फेस पे बहुत ज्यादा हार्ड स्क्रब करते हैं, उनको लगता है कि इससे पिंपल ठीक हो जाएगा, स्किन क्लियर हो जाएगी, उल्टा आपके पिंपल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप इन चार चीजों को ना करें तो आपके आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है कि आपको कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी रखने हैं डेली अपनी डाइट के अंदर, कुछ दाल भी रखनी है, कुछ प्रोटीन सोर्स भी आपको ऐड करना है। ग्रीन वेजिटेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी स्किन को ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये आपको हेल्प करती है आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। मैं पिछले 10 दिनों से अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल जरूर ऐड करता हूँ। पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इन सब चीजों को अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। सेकंड चीज, अभी ठंड आ रही है तो हमें प्यास लगनी थोड़ी सी कम हो जाती है और हम भूल ही जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है, और जिससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में हमारी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि 5-6 लीटर हमें पानी पीना होता है, लेकिन पीता कोई नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ना करें कि आपको एकदम याद आया कि मैंने आज पानी पीना था तो सारा पानी एक साथ ही पी गए 5-6 लीटर, ऐसे पानी आपके लिए नुकसान भी बन सकता है। तो पानी एक एक गिलास, दो दो गिलास, एक एक दो दो घंटे में आप पीते रहे, एक साथ बिल्कुल भी पीने की कोशिश ना करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्टंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आपको एक्सरसाइज करनी है डेली। एक्सरसाइज में आप योगा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, नहीं तो घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग से आपकी स्किन ब्रीथ करेगी और काफी हद तक क्लियर होगी। फिफ्थ पॉइंट, आपको ग्रीन टी जरूर लेनी है एक बार, मतलब आप उसको शाम को ले सकते हो, नहीं तो रात को खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हो। मैं तो यूजुअली रात को खाना खाने के बाद या शाम में। ग्रीन टी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर से वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, और जो हमारे पिंपल्स होते हैं स्किन पे उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको भी इम्प्रूव करता है। लास्ट पॉइंट, अपनी स्किन की केयर करनी है आपको,
इसको टाइम टू टाइम आपको धोना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और घर जा रहे हैं तो घर आते ही पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद बैठिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर आ गए और फेस वॉश नहीं किया, चलो ऐसे ही सो जाते हैं और भूल जाते हैं उसके बाद, और फिर वो पॉल्यूशन अपना कमाल दिखाता है पूरी रात, और सुबह एक नया पिंपल दे देता है हमारे फेस पे चमकता हुआ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर से पॉल्यूशन लेके घर में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना आपको फेस धोना है, इस चीज को ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती बन जाती है हमारी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और भी मुझे करना है, तो मैंने आपके लिए एक अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा वीडियो में। ये स्किन केयर रूटीन भी मैं फॉलो कर रहा हूँ काफी दिनों से, तो आप भी जाके देख सकते हैं, आपको भी हेल्प मिलेगी इससे और काफी फायदा मिलेगा आपके पिंपल्स कम करने में। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करें और 2 हफ्ते कम से कम करें, उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फेस की है। जब हमारे फेस पे पिंपल होते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, हम लोगों से शक्ल नहीं मिला पाते, हमें बहुत इनसिक्योर फील होता है, तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और उनको अगर रिजल्ट मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चाहे 2 हफ्ते बात करना लेकिन जरूर बताना। इस वीडियो को भी यहीं रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।